महू में दिनों दिन महिला अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक आदिवासी युवती की मौत के बाद परिजनों ने शव को रोड पर रखकर चक्का जाम किया। आदिवासी समाज के लोगों ने डोंगरगांव चौकी की पुलिस पर जमकर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। बावजूद इसके स्थिति नियंत्रण में नहीं आई और पुलिस के जवान भी घायल हुए। बता दें इसके जवाब में पुलिस ने गोली भी चलाई, जिसमें मानपुर के पास का छोटी जाम का 18 वर्षीय युवक घायल हो गया। बता दें जिसे इलाज के लिए MY भिजवाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है। देखें महू से श्याम खांडेकर की यह खास रिपोर्ट। महू में आदिवासी समाज की युवती की मौत के बाद समाजजनों ने डोंगरगांव पुलिस चौकी का घेराव किया एवं चौकी पर जमकर नारेबाजी की। बाद में अधिकारियों की समझाइश के बाद समाजजन चौकी से हटे। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि महू के बड़गोंदा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक आदिवासी युवती की मौत हो गई, जिसकी सूचना पुलिस ने उसके परिजनों को दी और सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। वहीं रात करीब 8 बजे परिजन युवती का शव लेकर डोंगर गांव चौकी पहुंचे और शव को रोड पर रखकर चक्का जाम किया और थाने के सामने खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। बता दें FIR दर्ज होने की बात पर समाज जन रोड से हटे, लेकिन इसी बीच 700-800 लोगों की टोली डोंगर गांव चौकी में घुस गई और तोड़फोड़ करने लगी, जिससे पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, जिससे भीड़ और भी उग्र हो गई। भीड़ में महिलाएं भी शामिल थी और उनकी मांग थी कि आरोपी को उनके हवाले कर दिया जाए, वे खुद आरोपी को मौत की सजा देंगे। भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़ी, लेकिन स्थिति बेकाबू होती देख पुलिस को गोली चलानी पड़ी। बता दें जिसमें मानपुर के छोटी जाम का युवक घायल हो गया। पुलिस की गोली से घायल युवक को इलाज के लिए इंदौर के MY अस्पताल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक भी हंगामे में शामिल था, उपद्रव के दौरान चली गोली का वह शिकार हो गया। बता दें मृतक के पड़ोसी शिवराम के अनुसार कविता पिता पांचीलाल 22 वर्षीय निवासी खरगोन जिला धामनौद में किराए के मकान से रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन बुधवार को उसके मरने की खबर लगी तो महू सिविल अस्पताल पहुंचे। यहां पर पता चला कि कविता गबली पलासिया के पूर्व सरपंच कांग्रेसी नेता के घर पर थी, जहां पर उसकी मौत हुई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक कविता का अपहरण कर लाया था और उसके साथ गलत काम कर उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस के अनुसार यदुनंद ने बताया कि कविता उसकी पत्नी थी, जिससे वह शादी करके उसके साथ रह रहा था और बुधवार को पानी गर्म करते समय उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर अब पूरी जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि युवती की मौत कांग्रेसी नेता के घर पर हुई है, जिससे मामले के तूल पकड़ने की किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बड़ी जद्दोजहद के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने देर शाम को आरोपी को अपनी हिरासत में भी लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से चौकी पर भी भारी पुलिस बल तैनात है। तो एक शिकायत थाने में परिजनों ने की थी कि बच्ची का देहांत जो है करंट लगने से हुआ है। इस बात पर बच्ची का तुरंत PM कराया गया और PM कराने के बाद यहाँ थाने में परिजनों की रिपोर्ट पर तुरंत ही 302 का एक मामला दर्ज कर लिया गया था। 302 का जब मामला दर्ज कर लिया गया, इसके तुरंत बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया और आरोपी से पूछताछ चल रही थी। यहाँ थाने में एडिशनल SP, SDOP महू, SDM महू सभी लोग यहाँ फोर्स के साथ उपस्थित थे। तभी काफ़ी संख्या में यहाँ कुछ लोग आए और आके उन्होंने पहले तो इस बात के लिए उनकी ये रही कि इसमें मामला दर्ज किया जाए, तो इसमें उन्हें जब बताया गया कि इसमें मामला दर्ज हो चुका है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, तो इसके बाद इनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने, उस भीड़ में जो कुछ उपद्रवी तत्व थे, उन्होंने ये चिल्लाना शुरू कर दिया कि आरोपी को सजा हम खुद देंगे और चौकी में घुसने का प्रयास किया कि हम आरोपी को निकाल के इसमें उनको सजा देंगे। इस बात पर पुलिस बल और वहाँ उपस्थित सभी मजिस्ट्रियल अधिकारियों द्वारा उन्हें रोका गया और भारी पथराव चौकी के ऊपर हुआ, आत्मरक्षार्थ हवाई फायर किया गया
दुखद घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और अभी उनका पीएम चल रहा है एमवाईएच में और संपूर्ण घटनाक्रम को लेकर इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। शांति बनी हुई है सर? अभी शांति बनी हुई है सर। ये 300 मतलब क्या मारपीट वाला मामला था या क्या था? इसमें जो बच्ची की मृत्यु है वो ये करीब 22 साल की है और इनकी जो मृत्यु है वो करंट लगने से होना बताया गया है। हालांकि अभी पीएम रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, जो पीएम रिपोर्ट मिलेगी तो और हमें इसमें स्थितियाँ स्पष्ट होंगी, लेकिन फिर भी बिना पीएम रिपोर्ट प्राप्त किए हुए भी परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर भी हमने 302 का मामला था। करंट कहाँ लगा था? ये हाथ में और शरीर में कहीं ऊपर करंट में एग्जैक्टली, चूँकि पीएम रिपोर्ट देखने के बाद ही आपको बताया। आरोपी बनाया सर उसका क्या मतलब क्या रोल था? मतलब वो ऐसा बताया जा रहा है कि जो बच्ची है वो उनके साथ ही थी। हालांकि इसमें डिफरेंट वर्जन है, अभी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। घर वाले कुछ अन्य बात कहते हैं और ये लड़का कुछ अन्य बात कहता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम स्पष्ट रूप से बता पाएंगे इसमें क्या स्थिति है। दोनों पक्ष कहाँ के रहने वाले हैं, इनके आसपास के हैं? अब इसमें जो बिटिया वाला पक्ष है ये मंडलेश्वर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वासली कुंडिया करके गाँव है वहाँ का, और जो लड़का है, जो आरोपी लड़का है, वो यहीं गवली पलासिया कर रहे हैं। तो लड़की क्या है या कितने तंग रहती थी जहाँ घटना हुई? ये अभी मैं बता रहा हूँ कि इसमें डिफरेंट वर्जन है, लड़का हमें कुछ और कहानी बता रहा है और लड़की के परिवार वाले अलग कहानी बता रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं। सर चार थाना क्षेत्र में 144 लगी हुई है यहाँ पर? अभी एकदम शांति है और वो एहतियातन तौर पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े लिए। उक्त मामले पर कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी डॉक्टर इलैया राजा ने महू सब डिवीजन क्षेत्र में पुलिस थाने में पथराव और गोली चालन में एक युवा भेरूलाल की मृत्यु की घटना पर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त जिला दंड अधिकारी अजय देव शर्मा को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं 5 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाते हुए यहां रैली, धरना प्रदर्शन इत्यादि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कलेक्टर ने प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त रूप से दंड अधिकारियों को तैनात किया है। कलेक्टर ने इस घटना को दुखद बताते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर हर संभव मदद की जा रही है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत 4 लाख रुपए एवं रेडक्रॉस की ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रभावित परिवार को दी जा रही है। कानून व्यवस्था आप ना बिगड़े क्योंकि अभी लोग जाएंगे, अंतिम संस्कार होगा, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है? डेफिनेटली ये बहुत ही ना दुख घटना है। इस कड़ी में ना प्रशासन शासन है ना पूरी तरीके से ना मतलब उनकी परिवारजन के ना साथ है। हम लोग के ना कितने मदद है ना कर सकते हैं, मदद एक्सटेंड भी करेंगे एंड हमारी पूरी संवेदना उनके साथ ही है। और लैंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए 5 ना थाना क्षेत्र है, महू है, किशनगंज और है ना मानपुर, मतलब ऐसे सभी 5 है ना थाना क्षेत्र में 144 है ना लागू किया है। मतलब रैलीज है ना, धरना प्रदर्शन इस प्रकार के ना हम लोग ने बैन किए हैं, लॉन्ड ऑर्डर है ना मेंटेन होने तक है ना ये किया है। इसके अलावा सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं उनको भी हम लोग ने पदस्थ किए हैं, एडीएम लेवल का ऑफिसर्स को भी है ना हम लोग डोंगरगांव से लेकर है ना छोटी जाम से लेकर है ना सभी जगह महू तीनों जगह ना पदस्थ किए हैं। पुलिस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन लगातार है ना सिचुएशंस को मॉनिटरिंग कर रहा है। कोई आर्थिक सहायता की घोषणा की गई तत्कालिक? नहीं डेफिनेटली, मतलब हम जैसे अभी ना अंतिम संस्कार उनका होने वाला है, शासन की ओर से प्रशासन की ओर से परिवार के साथ ही है हम लोग, दुखी घटना डेफिनेटली है ना अमाउंट है ना इसको है ना इक्वल नहीं कर सकता, बट हमारी है ना मैक्सिमम है ना आर्थिक मदद क्या हो सकता है वो सारे है ना परिवार के साथ किया जाएगा। तो दर्ज करी है अपन ने एक तो आरोपी के खिलाफ, अब इसके मामले बच्चे की मौत के मामले में किस पर खिलाफ दर्ज करेंगे? नहीं ये इसको मैजिस्ट्रियल जांच का ना ऑर्डर हुआ है, ठीक है जांच के बाद है ना तो चले। अच्छा सर एफआईआर के आदेश किसने दिए थे? जो नहीं भैया मैजिस्ट्रियल जांच का ना आदेश हुआ है, मैजिस्ट्रियल जांच के बाद है ना।